केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार से देश की वित्तीय राजधानी की दो दिवसीय यात्रा पर बैंक प्रमुखों के साथ की समीक्षा बैठक। 10 साल सजा भुगत चुके उम्र कैदियों को दी जा सकती है जमानत, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया सुझाव। अफगानिस्तान संकट समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से की बातचीत, शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर दिया जोर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का भाजपा पर हमला, कहा बार बार सीएम क्यों बदले, देना होगा जवाब। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के नई दिल्ली से पटना आगमन पर पार्टी के नेताओं ने और लोजपा दलित सेना के कार्यकर्ताओं ने पशुपति कुमार पारस का पटना आगमन पर किया भव्य स्वागत। लुधियाना में आज 332 जगहों पर लगेगी वैक्सीन, कोविशील्ड की 60 व कोवैक्सीन की 6000 डोज मिलेगी। भाजपा की ब्लॉक प्रमुख में मकान कुर्क होने पर मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, सीएम आवास पर दी आत्मदाह की धमकी। भूपेश बघेल टीएमसी सिंहदेव आखिर क्यों है आमने सामने, राहुल गांधी से होनी है खास मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख डॉक्टर विजय चौथाई वाले ने सोमवार को नेपाल के कई शीर्ष पार्टी नेताओं के साथ की बातचीत। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कपिल सिब्बल समेत तमाम नेताओं ने लगाई क्लास।